शुभमन गिल जब 91 रनों पर रनआउट हो गए और वो भी कुलदीप यादव की गलती की वजह से रनआउट हुए तब वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गए बता दू सिक्सटी ओवर में जब कुलदीप यादव बैटिंग कर रहे थे तब हल्का सा उन्होंने शॉट लगाकर भागने का प्रयास किया लेकिन फिर बीच रास्ते में आते ही उन्होंने शुभमन गिल को दौड़ने से मना कर दिया और फिर वापिस नॉन स्ट्राइकर एंड पर दौड़ के आने के चक्कर में शुभमन गिल बैन स्टोक्स के हाथों रनआउट हो गए बैन स्टोक्स ने काफी दूर से बॉल को पकड़ लिया था और वहां से डायरेक्ट थ्रो मारकर शुभमन गिल को आउट कर दिया शुभमन गिल वैसे भी काफी लंबी डाइव

सिर्फ़ 27 रन बनाकर वो भी पवेलियन की तरफ लौट गए इससे अच्छा शुभमन गिल को खेलने देते तो कम से कम अपनी सेंचुरी तो पूरी कर सकते थे दोस्तों ऐसे ही और क्रिकेट न्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए